मुर्ग के सोविते बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम बोनलेस चिकन, 2 बड़ी चम्मच दही, 1 बड़ी चम्मच तेल, 30 ग्राम भुट्टे के दाने, आधा छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच कुटे धनिया के बीज, 1 छोटी चम्मच कटा लहसुन, आधा छोटी चम्मच कटा अदरक, 1 बड़ी चम्मच कटा प्याज, 1 ग्राम हल्दी, 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच काजू का पेस्ट, 1 बड़ी चम्मच टमाटर प्यूरी, 1 ग्राम खड़े मसाले, 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 100 मिलीलीटर दूध, नमक स्वाद के अनुसार, 10 ग्राम पतला कटा अदरक, 10 ग्राम कटा हरा धनिया। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, तो हम इसमें लेंगे चिकन के पीसेस। आप चाहें तो इसमें हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, दही डाल के, साथ ही में इसमें हम जो भुट्टा मिलता है हमें उसको हम कस सकते हैं। वैसे हमने कैनल्स लिए हैं जो आजकल पैकेट में मिल रहे हैं। हाँ जी, और उसको हमने कुछ को हमने क्रश कर लिया है जी। और अब इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक और कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला जी, थोड़े से लाल मिर्च का, अगेन देगी मिर्च देगी। इसको हम मैरिनेट करके रख लेते हैं। तो शेफ इसे कितनी देर तक मैरिनेट करेंगे? इसको हम लगभग आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि अच्छे से इसमें सारे मसाले चले जाएं और चिकन भी थोड़ा टेंडर हो जाता है इससे। तो आधे घंटे के लिए इसको रख देते हैं जी। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। और साथ ही में हम एक और पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इस पेस्ट को बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल जिसमें हम डालेंगे काजू की पेस्ट। हमने काजू को भिगो के पानी में मिक्सी में पीस लिया है। इसमें हम डालेंगे धनिया का पाउडर, हल्दी। वैसे तो राजस्थानी खाना बहुत ही तीखा होता है जी, बिल्कुल। इसमें टमाटर प्यूरी डलेगी, कलर इससे भी आएगा, देगी मिर्च से भी आएगा। इनको मिक्स कर लेते हैं। दही में मिला के डालने से जो सूखे मसाले हैं वो जलते नहीं है। जिस समय प्याज और लहसुन अदरक लहसुन भुन जाता है, यदि उसी समय हम सीधे मसाले डाल दें तो मसालों का जो अरोमा खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जल जाते हैं। उनका अरोमा बरकरार रहे इसलिए हमने इसको दही में मिला के, या कच्चे रह कच्चे जाते रह जाते हैं। इसमें हम तेल लेंगे। हम तेल इसमें ले रहे हैं, लेकिन हमने जैसे दही और काजू का पेस्ट का इस्तेमाल करें तो काजू भी अपना तेल छोड़ता है। देसी घी का भी इस्तेमाल इसमें हम करते हैं ताकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और वैसे ऑथेंटिकली राजस्थानी खाने में देसी घी का ही इस्तेमाल होता है। कुछ खड़े मसाले हैं इसमें डालेंगे जी, जावित्री है, तेज पत्ता है, लौंग और इलायची है, इलायची लौंग। साथ ही में इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ, जिसको हमने भून लिया है। सौंफ का फ्लेवर तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टेंडर होता है जैसे, तो वो जल नहीं जाएगी। मैंने हम उसी समय साथ ही में इसमें अदरक लहसुन और प्याज डाल के इसको क्रैकल आने होने तक इसको रखना है। आपने ये कुटा हुआ धनिया के जो बीज हैं वो डाले? ये हाँ, जैसे रफली कुटे हुए हैं, साथ ही में अदरक लहसुन के इसमें हम। जब भी आप खड़े मसालों का इस्तेमाल करें देन मेक श्योर कि वो जल ना जाए, बिकॉज उनका सारा फ्लेवर खराब हो जाएगा अगर वो जल जाए तो। लहसुन के बाद इसमें डालते हैं अदरक, साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं ये प्याज की पेस्ट। ये उबले हुए प्याज की पेस्ट है, उबला हुआ प्याज, यानी प्याज को पहले हमने काट के रफली काट के बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मिक्सी में इसके हमने, अगर हम चाहें तो नॉर्मल प्याज पीस के भी बना सकते हैं या बिल्कुल का कोई रीजन? एक्चुअली हम लोग चाहें तो इसमें चॉप प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज लगभग भुन गए हैं जी, तो जो तेल था वो साइडों में आने लग गया है जी। तो आइए इसमें डाल देते हैं ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, लगभग आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। बिल्कुल, जैसे एक्चुअली फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक हम बाकी सब कुछ करेंगे तैयारी और बनाएंगे चीज़ें, तब तक इसमें आधा घंटा हो ही जाएगा कि मैरिनेट हो जाए जी। अगर कंटिन्यूटी ऑफ कुकिंग है तो कोई ज़रूरत नहीं फ्रिज में। बिल्कुल, इसको हम चिकन का सील होने तक पकाएंगे। चिकन जब सियर होके टाइट होके अपने इसका जो जूसेस हैं वो अंदर रिटेन रहेंगे, राइट, साइड से सील हो जाए कि प्रोटीन जो है इसका बाहर ना निकले। इसमें हम डाल देंगे ये पेस्ट, टमाटर प्यूरी, काजू की पेस्ट और दही, दही का इस्तेमाल किया है एंड इसमें सारे मसाले भी हैं।
बढ़िया सा कलर आ रहा है, बढ़िया सा उबाल आ रहा है, यू कैन सी द बबल्स कमिंग आउट। तो अब ये तैयार है शेफ? जी हाँ, अब इसको हम परोसते हैं। ओके, सो इट्स टाइम टू डिश दिस आउट। इसमें हम बारीक कटा हरा धनिया और अदरक के जूलियन डाल के तो लीजिए, इसको गार्निश भी कर दिया और ये मुर्ग का सोयता तैयार है आपके लिए। नाइस, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो ट्राई करके देखते हैं। इट्स अ नाइस बैलेंस डिश एंड वेरी रिफ्रेशिंग चेंज फ्रॉम बटर चिकन, क्योंकि इसमें दही का खट्टापन भी है और कॉर्न का मीठापन भी है। तो ट्राई कीजिए चिकन की डिश, लेकिन उससे पहले नज़र डालिए इसके कैलोरी चार्ट पे और इसके साथ ही नोट कीजिए इसका छटपटचारी कैल। सोविते बनाने के लिए चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दही और कुटे भुट्टे के दानों के मिक्सचर में मैरिनेट करें। एक बर्तन में लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काजू का पेस्ट, टमाटो प्यूरी और दही मिलाएं। एक पैन में तेल गरम करें, इसमें सौंफ और कुटे धनिया के बीज पकाकर इसमें अदरक, लहसुन और कटा प्याज डालकर भूनें। इसमें दही में मिले मसालों का मिक्सचर डालें, थोड़ा पकाएं और फिर दूध मिलाएं। मैरिनेटेड चिकन मिलाएं और 10 मिनट तक पकाएं। हरे धनिया से सजाकर चावल या रोटी के साथ गर्मागर्म सर्व करें।